समाज में महिला अत्याचारों बढ़ता जाए त्यारे युवतियों जाते पोतानुं स्वरक्षण करी शके ते माटे रोटरी क्लब ऑफ पालनपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट हेठळ कराटे तालीम केम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां 3 मास माटे निःशुल्क तालीम आपवामां आवशे। देशमां महिलाओं परना अत्याचार वधता जाय छे त्यारे अबड़ा गणाती महिलाओं खुद पोतानो स्वबचाव करी शकवा सक्षम बने ते जरूरी बन्युं छे। त्यारे पालनपुरमां रोटरी क्लब द्वारा महिला सशक्तिकरणनो प्रोजेक्ट अमलमां मूकवामां आव्यो छे, जेमां दीकरीओ पोतानुं आत्मरक्षण करी शके ते हेतुथी निःशुल्क कराटे तालीम केम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां अत्यार सुधीमां 40 युवतीओनुं रजिस्ट्रेशन थयुं छे। आ तालीम केम्पमां 5 થી 15 વર્ષની દીકરીઓને નિઃશુલ્ક કરાટે તાલીમ આપી તેઓ જાતે પોતાનો સ્વબચાવ કરી શકે તે માટે સક્ષમ બનાવવામાં આવશે, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં દીકરીઓ તેનો લાભ લે તેવો અનુરોધ કરાયો હતો। નમસ્કાર પાલનપુરવાસીઓ, રોટરી ક્લબ ઓફ પાલનપુર જો કે હંમેશા સમાજમાં સેવા કે લીએ પહેચાના જાતા હૈ, ઉન્હીં કા એક નયા પ્રોજેક્ટ મહિલા સશક્તિકરણ વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ की शुरुआत आज रोटरी क्लब ऑफ पालनपुर में हुई है, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 5 से 15 वर्ष की बच्चियों को हमारे क्लब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि पूरे 3 महीने चलेगी। इस तालीम में बच्चियों को इतना मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें, जो कि आज अपने देश और विश्व की ज़रूरत बन गई है। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल समाज में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही, क्योंकि बच्चियाँ निर्बल कहलाती हैं। हम रोटरी क्लब ऑफ पालनपुर की तरफ से अपनी छोटी बच्चियों को सबला नारी बनाने की एक प्रयास है, जिसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे सारे पालनपुर के वासी इसमें अपना योगदान दें और अपनी बच्चियों को सबल बनाने में हमारा प्रोत्साहन करें।